हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल एकेडमी। और आज आप लोगों का सबका स्वागत है बंसल एकेडमी के इस चैनल पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यही बोलूंगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज करें, हमारा हौसला बढ़ता है, हम भी आपका हौसला बढ़ाएंगे थोड़ी देर में। आहिस्ता। आज का जो मेरा विषय है वो है कि दो महीने में हम लोग जितने भी एग्जामिनेशन है हमारे KVS MVS TGT PGT के हैं, जो भी है मास्टर कैडर लेक्चर कैडर के, उनकी तैयारी कैसे करें। तो क्या ये तैयारी करनी मुश्किल है या फिर आसान है, आज हम बात करेंगे इस पे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ भारतीय नारी का जलवा। देखिए 130 प्लस रिजल्ट्स हमारे पास हैं अभी, इनमें से 90 प्लस जो परसेंट है वो लड़कियां हैं, उनमें भी 90% मैरिड है और वो भी बच्चों वाले हैं। जिनके भी जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिनके बच्चे हैं, वो लोग सारे इन लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं ताकि आप भी पेपर को क्वालिफाई करें। बंसल एकेडमी मास्टर है इंडिया की नंबर वन इंस्टीट्यूट है नॉन मेडिकल और मेडिकल के एग्जामिनेशन में। आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, नोट्स, असाइनमेंट और टेस्ट सीरीज है। कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। 50% ऑफ का भी कूपन आप लोग लगा सकते हैं हमारे पास जो फर्स्ट टाइम हमारे पास एनरोल करेंगे। और बंसल एकेडमी आपको अश्योर करती है कि जो हमारी नेट CSR क्वालिफाइड फैकल्टी आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जोलॉजी, बॉटनी में पढ़ाएगी, वो आपको बेहतरीन रिजल्ट ला के देगी। आप 100% दो, हम 1000% आपको रिवर्ट बैक करेंगे और पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ काम करेंगे जब तक आपका पेपर क्रैक नहीं होता है। सो दोस्तों, स्टडी नोट्स या टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा वो है कि दो महीने में प्रिपरेशन कैसे करें। तो दो महीने में प्रिपरेशन करने वाला वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने एक पहले वीडियो बनाया हुआ है मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ये वीडियो आप सामने देख सकते हैं, इसके ऊपर मैंने आपको पहले वीडियो बनाया हुआ है। तो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैंने यही बताया था कि ये वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के बेसिस पे एनालाइज करने होते हैं और उसमें से जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, वही कॉन्सेप्ट्स आपने 100 कॉन्सेप्ट्स निकालने होते हैं अगर 500 कॉन्सेप्ट्स आपके उसमें हैं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी बात बोलना चाहूंगा कि अगर आप मेरे मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स वाले वीडियोस को देख लेंगे तो आपको शायद क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको आगे जो दो महीने की स्ट्रेटजी है उसमें क्या करना है। तो याद रखिए, दो महीने में पर्टिकुलरली वैसे तो कोई तैयारी सीरियस कैंडिडेट्स नहीं करते हैं, लेकिन वो कैंडिडेट जरूर करते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप अभी दो महीने का टाइम है। तो दो महीने में भी आप लोग पेपर क्रैक करने की क्षमता रखते हैं, प्रोवाइडेड आप मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे काम करते हैं। तो आपने क्या करना है कि वीक वन और वीक टू है जो हमारे पास पहले दो हफ्ते है वो सब्जेक्ट फैमिलराइजेशन एंड प्लानिंग की हम बात करते हैं। तो उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, आपने जो फैमिलैरिटी और प्लानिंग करनी है वो आपने सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स की करनी होती है ताकि आपका टाइम बच जाए, ठीक है जी। आपने सिलेबस और पैटर्न को रिव्यू करना है, आप अपना स्टडी मटेरियल टेक्स्ट बुक्स इकट्ठा करिए, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए, है ना, जो मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी बात कर रहा हूँ। डे 4-5 पे अगर आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह से आप तैयारी करके आप उन मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीक टू में आप, मैं पूरा वीक वाइज ही बताऊंगा, डे वाइज वैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ सकते हैं। बेसिकली आपका टाइम टेबल पहले ही 3 दिन में आपने चेकआउट कर लिया होगा, तो आपने सेकेंड सब्जेक्ट कब करना है, थर्ड कब करना है, उसको रिपीट कब करना है, उसके मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट्स को आपने कब कवर करना है वो आपने शायद देख लिया होगा। तो बेसिक प्रॉब्लम्स और सैम्पल क्वेश्चंस फ्रॉम सब्जेक्ट्स जो भी आपने अभी तक पढ़े हैं उनके ऊपर आपने उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, रिवाइज करना है। वीक थ्री के केस में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये है कि वीक थ्री में आप थर्ड सब्जेक्ट शुरू कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स और प्रॉब्लम्स को, मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम को कर सकते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना आप स्टार्ट कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट एक फुल लेंथ प्रैक्टिस टेस्ट आपका इस वीक में हो जाए। डे वीक फोर में आप लोग 4 सब्जेक्ट इन डेप्थ आप स्टार्ट कर दीजिए, मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट। इन डेप्थ का मतलब ये नहीं कि सारा सब्जेक्ट, मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट, आपके पास टाइम कम है। सो आपने क्या करना है, 4 सब्जेक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट करने हैं, सबको स्पेसिफिक टाइम देके उनकी रिविजन स्टार्ट करनी है। और वीक 5 में आपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट इंटायर सिलेबस की तैयार करने हैं, अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, वीक एरियाज को करना है। अब वीक एरिया और जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है वो सिर्फ मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सेप्ट की कैटेगरी से ही निकलेंगे। अगर 100 आपने लिखे हैं तो उसमें से कितने आपके
सो मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट हैं, तो उसमें से कितने आपके स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट्स हैं, कितने आपके वीक हैं, तो आप अपने वीक एरियाज को एड्रेस कर सकते हो, उनके कंसेप्ट को दोबारा रिवाइज कर सकते हो, प्रैक्टिस आप कर सकते हो उनके। वीक सिक्स की बात अगर मैं करूँगा तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट लीजिए, और जब आप उन पे फोकस करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी का ध्यान रखिए खासकर, और अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की तो अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है जी। और वीक सेवन की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंसिव रिविजन आपने फिर स्टार्ट करनी है, और आप इंपॉर्टेंट फार्मूला कंसेप्ट और की पॉइंट्स को आपने याद करना है, रिविजन और प्रैक्टिस आपने साथ साथ लेके चलनी है, शॉर्ट ब्रेक्स आपने लेनी है, वन आउट नहीं करना है। वीक एट में जब आप जाएंगे तो आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करें, वही मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट्स के बीच में से लास्ट मिनट रिवीजन है जो आप करते रहिए, और जो आपको ठीक लगता है वो करिए, और लास्ट 57 to 60 days जो 3 दिन है उसमें रिलैक्सेशन करिए, मेडिटेशन, लाइट रिवीजन। वैसे तो आपने 2 महीने में तैयारी शुरू की है तो आपने रिलैक्सेशन पहले ही कर ली हुई है बहुत सारी, मेडिटेशन भी आपने बहुत अच्छी की हुई है, रिवीजन तो आपने नहीं की होगी, तो आपने बड़ा हेल्दी लाइफ, मैं आपको सटायर कर रहा हूँ कि आपने बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन किया होगा, रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस डाइट, प्रॉपर स्लीप, आपने बड़े पॉजिटिव होंगे, हमने 2 महीने में तैयारी करेंगे। देखिए हौसला बढ़ा रहा हूँ कि अगर करना है तो मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट्स जो के मैंने पिछला वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, उस वीडियो मैंने बड़ी डिटेल में और बड़े ही अच्छे की नोट्स के साथ आप लोगों को बताया हुआ है। सो आप लोग अगर उस चीज को फॉलो करते हैं तो आप लोग बेहतर तरीके से रिजल्ट ले आ पाएंगे, और अगर आप लोगों ने मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट्स कर लिए तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपका पेपर भी निकल सकता है भाई, अगर तैयारी बहुत अच्छी आपने की हुई है तो। अल्टीमेटली दोबारा फिर रिवाइज कर दूँ एक बार, रिवाइज ये है कि आपने पहले प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके आपने उसमें से मोस्ट प्रोबेबल कंसेप्ट्स को निकालना है, 100 कंसेप्ट्स निकाल लेने हैं जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन आते हैं या मैक्सिमम वेटेज या मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, फिर उन कंसेप्ट्स को नोट डाउन करके आपने इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच के साथ उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है, या फिर मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को बाद में करिएगा, इजी टू डिफिकल्ट अप्रोच के साथ करना शुरू करिए। दिन में अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे आप लोग, 5 घंटे आप लोग थ्योरी को दो फिलहाल शुरू शुरू में, और बाकी टाइम आप दो किस चीज़ के लिए, क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए, तो इनिशियली तो ऐसा हो नहीं पाएगा, तो फर्स्ट वीक आप लोग पढ़ाई करिए थ्योरी की, उसके बाद आप इस तरह से इस मोड पे आ सकते हैं। आपका पेपर क्वालिफाई करने में देखिए कुछ चीज़ बचेगी नहीं, 2 महीने भी बहुत सफिशियंट टाइम होता है। सो अगर आप बंसल अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे हमारे लाइव वीडियोस देख सकते हैं और वीडियोस दूसरे डेमो वीडियोस भी देख सकते हैं, और अगर आप कोई फ्री या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं टेस्ट की या स्टडी मटेरियल चाहिए आपको तो आप हमारी टेक ऐप है जो उसको एंड्रॉयड, iOS और विंडोज़ पे आप उसको क्या कर सकते हैं, डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके थ्रू अपनी असेसमेंट कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को। सो गाइस आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं इंस्पिरेशन आपको बढ़ाना चाहता हूँ, देश में नारी शक्ति सबसे आगे जा रही है और उसका कारण जानते हो क्या है, क्योंकि वो सबसे बड़े होम मेकर्स, इनसे बड़ा कोई नहीं, इनके मैंने पहले बताया है कि इन लोगों ने मिसाल पेश की है कि बच्चे की देखभाल प्लस फैमिली की देखभाल करने के साथ साथ इन लोगों ने अपना पेपर निकाला है, आप लोग भी निकाल सकते हैं, जल्द से जल्द आज ही आप लोग पेन उठाइए, फोन उठाइए, कॉल करिए और एडमिशन लीजिए, बंसल एकेडमी के पास ऑफ भी चल रहा है, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सो आने वाली जिंदगी के लिए सब बच्चों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, थैंक यू वेरी मच।